गाइस अभी हमारा सेकंड पार्ट था सेकंड डे का, ठीक है। तो अब क्या है सीन, हम माल रोड तो घुमाए हैं, तो अब हमने लिया है अपना रूम, और रूम लिया हमने होटल बालजीज में, होटल बालजीज में रूम लिया। तो आपको रूम का टूर करवाएंगे, और जहाँ हम पिछले कल रुके थे ना, कल नाइट हमने जहाँ स्टे किया था उससे लाख गुना बेटर है, बहुत अच्छा, बहुत काफी, मतलब 4 स्टार कैटेगरी में आता है ना, और काफी बेटर भी है, और हर चीज अच्छी लगी हमें। और तो अभी चलते हैं, हम क्या कर रहे हैं, गाड़ी पार्क करेंगे वहां, फिर लगेज वगैरह हमारा सारा रखा जाएगा ऊपर, ठीक है। तो चलते हैं अभी 5 मिनट में। सामने जो टेम्पो खड़ा है, छोटा आती जो भी है, इसको ये हटे, उसका वेट चल रहा है, और फिर गाड़ी को लेके जाएंगे बालजीज के सामने। अब रूम का टूर करवा देता हूँ आपको, ठीक है। तो जो हमने अब लिया बालजीज में रूम लिया है, और 4 स्टार प्रॉपर्टी है, तो इसका रूम टूर का कार्ड लगेगा यहाँ, और उसके बाद ये कुछ हमारा कार्ड डल के कुछ ऐसा रूम है, ये अपना सोने का है, कुछ बेड, ये मेरा बैग रखा है, ये अपना बढ़िया टीवी देखने का, और यहाँ हमारा वाटर बोतल और कॉफीज वगैरह का सामान, और ये तुम्हारा भाई, और पीछे बढ़िया अपना बालकनी है, बालकनी नहीं मतलब वो है, थोड़ा क्या बोलते हैं, बिल्डिंग्स है पीछे तो, और वॉशरूम, ये हमारी अलमीराज कुछ रखने के लिए, ठीक है। और ये वॉशरूम है भैया, रूम हमने आज लिया थोड़ा बेटर था, क्योंकि कल जो लिया था वो बहुत ही खचपच सा था, क्योंकि कल हम लेट पहुंचे थे, इसलिए हम रूम थोड़ा वो नहीं करना चाह रहे थे, पैसे वेस्ट, अब थोड़ा आज यहीं चिल करेंगे। अब ऐसा सीन हो गया था कि भाई नींद आ रही थी, 1-1.5 घंटा सो गए थे, थक भी रहे थे, थोड़ा नींद भी ले ली तो भाई, हाँ तो ना यार नींद आ गई थी हमें, यहाँ के जो गद्दे थे ना वो तो मुलायम से गद्दे थे, लेटते ही नींद आ गई बढ़िया, तो हम सो गए थे 1-1.5 घंटे के, फ्रेश हो गया अब हम, हाँ थक गए थे क्योंकि घूम के काफ़ी दूर तक गए थे हम माल रोड, तो उसके बाद सोए थोड़ी देर, और अब क्या टाइम हुआ, 7:30 बजे का टाइम हुआ, 7:47 है, तो अब हम निकलेंगे डिनर करने हम जा रहे हैं माल रोड करेंगे, पिछली बार हमने जायका में किया था रेस्टोरेंट, पिछली बार बढ़िया से मोमोज खाने का दिल कर रहा है, तो देखेंगे क्या है, हम निकल रहे हैं डिनर करके आएंगे, फिर मिलेंगे आपसे। और कपड़े तो हम, जैसा कि आप सभी को पता, लेके नहीं आए थे, तो भाई भाई बदल बदल एक्सचेंज कर लिए अब हमने, तो अब निकल रहे हैं हम मॉल रोड के लिए डिनर करने, और हमारे इस होटल से मॉल रोड की, मतलब की रोड बहुत पास पड़ता है मॉल रोड, वो भी सारा बता देंगे हम आपको कि कितना डिस्टेंस है, एक बार हम चले जाते हैं, ठीक है, तो बाय बाय, मिलते हैं अभी माल रोड पर। मेरे ख्याल 5th फ्लोर पे हैं, और ये कुछ धुंध, मतलब ये पाड़ा जिसे बोलते हैं, और ये मतलब हमें सीढ़ियाँ चढ़ के जाना है, क्योंकि माल रोड का अगर बाय रोड जाते हम तो हमें 15 से 20 मिनट लग जाती, और ये शॉर्टकट है, तो ये खुफिया रास्ता भी है, और अभी बिल्कुल ऊपर तक जाना है, खाने का प्लान बन गया अब बीच में, तो पहले मोमोज खा लेते हैं, इसी भाई का ही मन हो रहा था मोमोज खाने का, फिर चले, हाँ वो तो बेकार थे ना, बढ़िया भी है, तो ये खा के फिर चलेंगे आगे। अब देखो कहाँ रोक लिया इसने हमें, एग मैगी खा रहा है, चलो मैगी और खिला देते हैं भाई को, फिर निकलेंगे आगे, रात को डिनर करेंगे डिनर तो बस अभी कर रहे हैं हम, लास्ट मैगी खा लेता भाई, फिर चलेंगे आगे। वो देखो मैगी बन गई है, एग मैगी है, ऑमलेट है, एग मैगी, पहले भुर्जी बना के उस मैगी के अंदर वो करेंगे। अच्छा, आगे माल रोड, और ये अपना कमांडो ट्रेनिंग सेंटर आर्मी, तो चल रहे हैं सीधा, ठीक है, ये हमारा हेडक्वार्टर है आर्मी ट्रेनिंग कमांडो का, और यहाँ से थोड़ी सी ऊपर चलते हैं हमारा, और काफ़ी प्यारा लग रहा है, हमारी माल रोड है, और स्पीड बहुत ज़्यादा हो रहा है घूमने के, माल दिस कैंडल पॉइंट जनरल पोस्ट ऑफिस, ये सारी चीज़ें जो इंफॉर्मेशन यहाँ लगी है हमारी, हनुमान मंदिर, जाकू पीक, ये हमारा 2.50 किलोमीटर सबसे अच्छी जगह देखने की लग रहा है, ये देखो, और
एक ये मतलब रात का ज़्यादा मज़ा है यहाँ घूमने का। ये हमारा माल रोड घूमते घूमते देखो कैसे आ गया हम यहाँ, और अब अपना रेस्टोरेंट देखते हैं कोई बढ़िया सा रेस्टोरेंट और फिर जाऊंगे। वैसे तो जाम ने खाया जायका भी काफी अच्छा था, पर अब हम देख रहे हैं कुछ नया ट्राई करते हैं ना, तो चलो फिर ढूंढते हैं और फिर चलेंगे। तो गाइस ये था जिसने हिमाचल का फाउंडर था, ये इसका नाम था डॉक्टर वाई एस परमार, 1906 में फाउंड किया था इसने हिमाचल। काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं सीन। और उसके बाद ये हमारी चर्च है और काफ़ी बढ़िया यही सीन रात को देखने को मिलता हमें। ऐसा सीन था कि माल रोड गए थे हम, लेकिन वहाँ मार्केट हो रही थी बंद धीरे धीरे, तो हम वैसे थोड़ा घूम के फिर माल रोड की तरफ गए, वहाँ सारा कुछ बंद हो गया। तो अब हम नीचे वहीं वापस जा रहे हैं जहाँ हमने दो दिन पहले क्या किया था, डिनर किया था, डिनर भी किया था, ब्रेकफास्ट भी किया था जायका रेस्टोरेंट में। अपने ताऊ के पास चल रहे हैं हम वापस, और बहुत आराम से बैठ के खाना खाएंगे, कुछ मिला भी अच्छा। क्योंकि ये है होता है ना कि भाई 10:30 बजे वहाँ मार्केट है ना जो माल रोड रेस्टोरेंट में, और ये हमारा है होटल बालजी जहाँ पे हमारा आज का रूम है, और ये हमारी है 4-star प्रॉपर्टी में आता है, काफ़ी सुंदर बना हुआ है, और वहाँ हमारी सामने गाड़ी खड़ी है। तो अब चलते हैं खाएंगे, चिकन खाएंगे अच्छे से। तूने कल रात भी चिकन ही खाया था, कुछ नई चीज़ टेस्ट कर लियो। चलो हमने मंगवाया चिली पटेटो, सबसे पहले चिली पटेटो खाएंगे, और उसके बाद अभी मतलब मुँह में पानी आ गया देख के, ये तो खाने में हमारा ये है। तो अभी खा के गाइस अब अपना खाना भी कंप्लीट हो गया, 3 दिन हमने लगातार यही खाना, 3 दिन कह रहा हूँ 3 टाइम। अब चलते हैं रूम पे, फाइनली हम अपने रूम पे आ चुके हैं। माल रोड भी गए थे हम घूमने, उसके बाद फिर हम वहाँ गए थे क्या बोलते हैं, हाँ माल रोड ही गए थे। लेकिन आज का प्लान तो बहुत था कि इधर भी जाएंगे उधर भी जाएंगे घूमने, बट हुआ क्या कि भाई जाकू टेम्पल तो जा नहीं सके, क्योंकि वो ना हनुमान जी का शायद कहते हैं, हनुमान जी का बहुत बड़ा टेम्पल है वहाँ, तो वहाँ नहीं जा पाए क्योंकि ना एकदम से धुंध फोग जिसे कहते हैं ना, पाड़ा जिसे कहते हैं, वो पड़ गया था शिमला में। उसके बाद फिर थोड़ा मूड चेंज हो गया, ठंड सी और फिर हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी, फिर वहाँ नहीं जा पाए। फिर हमारा ये था कि भाई हम थोड़ी देर यहीं घूम लिए माल रोड पे, उसके बाद माल रोड पे घूमने के बाद फिर हम अपना रूम लिया हमने बालजीस में, और बालजीस में रूम लेने के बाद हम रुके, और रुकने के बाद फिर थोड़ी देर रेस्ट किया था, रेस्ट करने के बाद हम फिर डिनर करने गए थे माल रोड वापस। माल रोड गए और वहाँ कुछ ज़्यादा खास था नहीं, क्योंकि जिस टाइम हम गए थे 9:30 बजे का टाइम था, तो शॉप्स क्लोज़ हो रही थी, रेस्टोरेंट्स वगैरह क्लोज़ हो रहे थे। तो फिर हम आ गए वापस, और जहाँ हम 2 दिन से कर 2 टाइम पहले किया था डिनर भी और ब्रेकफास्ट भी, वहीं हमने किया। तो बस अब क्या सीन है, अब तो कुछ नहीं है, बस अब सोएंगे और सुबह निकलना है हमने चंडीगढ़ के लिए। 12:30 बज रहे हैं, घूम फिर लिए थे, और बस कल हमारा निकलने का प्लान है, यहाँ से निकलेंगे और अब बढ़िया नींद आ रही है, सोएंगे। तो गाइस अब ये है कि अब कर रहे हैं व्लॉग को एंड, तो जो जो भाई चैनल पे नया है चैनल को कर दो सब्सक्राइब, शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और बस फिर मिलते हैं किसी बढ़िया सी वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। तो ठीक है गाइस, अब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।